बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ऑनलाइन साइंस क्लास फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 5 थर्ड एडिशन। एज यू नो वी हैव स्टार्टेड दिस बुक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर द ब्रेन एंड नर्व्स। जैसे कि स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर का फर्स्ट जो लेसन है यूनिट नंबर 1 द ब्रेन एंड नर्व्स के बारे में पढ़ चुके हैं और इसमें हमने टाइप्स ऑफ ब्रेन पढ़ा था और किस तरीके से हमारा दिमाग जो है वो कौन कौन से काम करता है और कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये हमने पढ़ा था। सो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 सॉइल, देन हम बाकी भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज के लिए जो आपका लेसन है वो अबाउट सॉइल है। इट्स ऑन पेज नंबर 54, सो ओपन योर बुक एट पेज नंबर 54। पार्ट 3 मटीरियल्स एंड मैटर्स सॉइल। सॉइल कहते हैं मिट्टी को। सो सॉइल जो है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनती है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ वाटर, एयर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक मैटर? ऑर्गेनिक मैटर होता है बच्चों, जैसे कि कोई एनिमल या प्लांट्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं तो वो जो है सॉइल के अंदर अब्जॉर्ब होके ह्यूमस बनता है। एंड ह्यूमस क्या है? ऑर्गेनिक मैटर, लाइक वो दोबारा से डीकम्पोज हो जाते हैं, उनके अंदर जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दोबारा से सॉइल को मिल जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स लेयर्स ऑफ सॉइल। डिफरेंट सॉइल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो लेयर्स हैं सॉइल की। एंड मॉइस्चर हैज़ डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। और नमी का मुख्तलिफ तरीके से असर होता है मुख्तलिफ इकसाम की मिट्टी के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सॉइल कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द लैंड। अच्छा जी, मिट्टी के साथ आपका डेली का जो है इंटरेक्शन होता है, जैसे कि आपकी जैसे मदर आपको कहती होंगी कि भाई मिट्टी में नहीं जाना या कपड़े नहीं गंदे करने, या समटाइम्स ज़्यादा ऐसा होता है कि आपको गार्डनिंग पसंद होती है, मिट्टी के साथ खेलना या मिट्टी में काम करना आपको पसंद होता है। सो आज हम पढ़ेंगे कि मिट्टी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ये किस किस टाइप की मिट्टी होती है, क्या मिट्टी के बगैर मुमकिन है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं, और हमारा जो फूड है मोस्टली पौधों से आता है। एज यू नो प्लांट्स से हम फूड हासिल करते हैं, और प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं और किस किस्म की मिट्टी में ग्रो करते हैं ये हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो किस तरीके से डीकम्पोज होकर दोबारा से प्लांट्स को एनर्जी और फूड देते हैं, और किस तरीके से वो जो है दोबारा सॉइल में शिफ्ट हो जाते हैं, और किस तरह उनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दोबारा सॉइल को मिल जाते हैं। सो ये सारा हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सॉइल कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन लैंड। इट इज़ द मटीरियल दैट कवर्स द अर्थ सर्फेस। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी लिविंग थिंग्स यूज इट एज द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लेस ऑफ शेल्टर। ऑल द प्लांट्स दैट वी ईट ग्रो इन सॉइल। प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आर लिविंग थिंग्स इन आर प्लैनेट। सो सॉइल क्या है कि वो ऐसा मटीरियल है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लेंथ है, और ये क्या है कि ज़मीन की सतह को ये कवर करता है। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिट्टी बहुत अहम है क्योंकि बहुत सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर लाइफ सप्लाई, और कुछ जो एनिमल्स हैं वो इस मिट्टी के अंदर अपना घर भी बनाते हैं, शेल्टर के भी यूज़ करते हैं। और ऑल द प्लांट्स दैट वी ईट ग्रो इन सॉइल, और तमाम जो चीज़ें हम खाते हैं वो प्लांट्स पौधे जो हैं वो कहाँ उगते हैं? मिट्टी के अंदर उगते हैं, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से जो एनर्जी का सोर्स है तमाम जिंदा चीज़ों के लिए, जानदार चीज़ों के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो क्या है? मिट्टी है। सो सॉइल सपोर्ट्स प्लांट्स बाई होल्डिंग देयर रूट्स फर्मली एंड बाई प्रोवाइडिंग इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। मिट्टी जो है वो पौधों की जड़ों को फिक्स करती है मजबूती से, और क्या करती है? उन्हें न्यूट्रिएंट्स इनफ मकदार में न्यूट्रिएंट्स देती है ताकि पौधे बढ़ सकें। सॉइल इज़ यूज टू मेक यूजफुल ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा सॉइल जो है वो कुछ बर्तन वगैरह या मिट्टी की चीज़ें बनाने के काम भी आती है। सो व्हाट सॉइल इज़ मेड अप ऑफ? सॉइल कैसे बनती है? सॉइल इज़ मेड अप ऑफ फोर थिंग्स, चार चीज़ों से मिलकर बनती है। वो कौन सी चार चीज़ें हैं? वाटर, एयर, पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। हवा से, पानी से, और नमकियात, नमकियात के जो ज़रात हैं, और ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है,
नामियाती मादे लाइक, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक मैटर्स कौन से होते हैं कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं मिट्टी के अंदर, मिक्स हो जाते हैं, और वो उनके कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दोबारा से डीकम्पोज होकर प्लांट्स ले लेते हैं और वो ग्रो करते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो मिनरल्स पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स हैं वो 65% होते हैं, एयर 25%, वाटर भी 25% एंड ऑर्गेनिक मैटर 5%। ये उस सॉइल की बात कर रही हूँ जिसमें प्लांटेशन हो सकती है, जो फर्टाइल हो सकती है, ठीक है, जो हमारे प्लांट्स के लिए, उनके ग्रो करने के लिए बेस्ट होती है। सो इट टेक्स ईयर टू फॉर गुड फर्टाइल सॉइल टू फॉर्म, कई साल लग जाते हैं जरखेज मिट्टी बनने में। लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई, लिविंग थिंग्स जैसे जानदार चीज़ें जैसे एनिमल और पौधे जो हैं वो जब मर जाते हैं, दे रॉट एंड मिक्स विद द टॉप सॉइल, मिक्स हो जाते हैं टॉप सॉइल में। दिस सॉइल इज रिच एंड फर्टाइल, इट इज कॉल्ड ह्यूमस, प्लांट्स ग्रो वेल इन ह्यूमस। जैसे आपको मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि ऑर्गेनिक मैटर के एनिमल्स और डेड प्लांट्स जो हैं वो जब डाई डाउन होते हैं वो दोबारा से डीकम्पोज हो जाते हैं, उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दोबारा से सॉइल को मिल जाते हैं, और इस तरह क्या है वो सॉइल जो है फर्टाइल हो जाती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स वहाँ से ले लेती है और उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो बेटर ग्रो कर सकते हैं। सो एनिमल्स लिव इन द सॉइल, स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स, मोर्स, रैबिट्स एंड स्नेक्स मेक देयर होम्स इन द सॉइल। Smaller animals such as earthworms, millipedes, beetles, ants and slugs also live in the soil. These animals help to aerate, bring air into the soil while their waste enriches the soil. अच्छा, इसके अलावा जो है कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, अर्थवॉर्म्स जो हैं, मॉथ्स वगैरह रैबिट्स वगैरह जो है वो अपना घर बना लेते हैं मिट्टी के अंदर, होल्स बना लेते हैं, और इनके यहाँ पर रहने से काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं। ये मिट्टी को एरेट करते हैं, यानी कि इसमें हवा भरते हैं, या इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी जो है वो मिट्टी के लिए बेस्ट होता है, यानी कि उसमें प्लांट्स की ग्रोइंग के लिए बेस्ट होता है। सो लेयर्स ऑफ द सॉइल, अब हम पढ़ते हैं कि मिट्टी की कौन कौन सी इकसाम होती हैं। इफ़ यू हैव एवर विजिटेड अ कंस्ट्रक्शन साइट, यू मस्ट हैव सीन डीप होल्स देयर। अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए हों जहाँ पे कोई घर वगैरह बन रहा हो, तो आपने वहाँ पे डीप होल्स देखे होंगे, यानी कि लाइक टॉप लेयर जो होती है वो डिफरेंट होती है, जो अंदर से मिट्टी निकलती है वो ज़रा रेड टाइप होती है या कभी येलोइश होती है, डिफरेंट पार्ट्स में नज़र आती है। इफ़ यू लुक क्लोजली एट द साइड वॉल्स ऑफ द होल्स, यू कैन सी दैट द सॉइल इज़ नॉट द सेम फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, द सॉइल ऑन द अर्थ इज़ फाउंड इन लेयर्स। अच्छा, तो यानी कि जो अंदर से मिट्टी निकलती है वो टॉप जो लेयर होती है उससे कलर में थोड़ी डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे कुछ लेयर्स ऑफ सॉइल दी हुई हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल, रॉक सॉइल एंड बेड सॉइल। टॉप सॉइल के बाद सब सॉइल है, उसके बाद जो पार्ट आता है रॉक एंड देन बेड रॉक, सबसे निचला पार्ट जो है वो बेड रॉक है। एट द टॉप इज टॉप सॉइल, बिलो दिस इज अ लेयर और लेयर ऑफ सब सॉइल, बिलो दिस आर लेयर ऑफ सॉलिड रॉक्स, द डीपेस्ट लेयर ऑफ रॉक आर कॉल्ड बेड रॉक। यानी कि सबसे ऊपर जो मिट्टी होती है जिस पे आप खड़े होते हो, जिस पे आप मूव करते हो, दिस इज कॉल्ड टॉप सॉइल, देन उसके बाद जो लेयर आती है उसको सब सॉइल कहते हैं, उसके बाद वाली लेयर को रॉक एंड देन बेड रॉक। द टॉप सॉइल इज वेयर मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग सॉइल ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया लाइफ, द टॉप सॉइल कंटेन्स ह्यूमस। अच्छा, जो टॉप सॉइल होती है वहाँ पे बहुत सारे जो एनिमल्स, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स का एक स्टेबिलिटी है वो टॉप सॉइल है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, वो जो एनिमल्स और डेड प्लांट्स का जो न्यूट्रिएंट्स का डीकम्पोजिशन होता है वो भी जो है वो टॉप सॉइल पे होता है, और ये जो फर्टाइल सॉइल होती है बेसिकली। ऑल रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट ब्रोकन डाउन टू पेबल्स, ग्रेवल एंड मड, वाटर एंड विंड ब्रिंग अबाउट दिस चेंज। अच्छा, पानी और हवा की वजह से जो अर्थ के ऊपर जो लाइक सर्विस के ऊपर सरफेस के ऊपर जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो टूटती रहती हैं हवा और पानी की वजह से, और छोटे छोटे टुकड़ों में, कंकरों में, पेबल्स और ग्रेवल, बजरी और मड, मिट्टी वगैरह में तब्दील हो जाते हैं। द सब सॉइल इज वेयर मोस्ट ऑफ द सॉइल्स न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड, इट कंटेन्स लेस ह्यूमस इन मिनरल्स लाइक आयरन। सब सॉइल जो है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो होते हैं, लेकिन कहाँ गया, इट कंटेन्स लेस ह्यूमस, लेकिन यहाँ पे मिनरल्स और आयरन और जो डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स है वो कम होता है। डीप प्लांट रूट्स लुक फॉर वाटर इन द सब सॉइल।
इन फास्ट वे रिवर्स रॉक्स ग्राइंड अगेंस्ट ईच अदर एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पीसेस बिकम स्मॉलर इन टर्न इनटू सैंड मड एंड सॉइल द रिवर्स कैरी दिस सॉइल खाल सेडिमेंट विद देम इट इज देन डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक्स. अच्छा, ये जो दरिया में जो होती है ना चट्टाने वगैरह या पत्थर वगैरह जो होते हैं, वो पानी के इधर उधर आने जाने से उसके दबाव से वो कभी कभी छोटे छोटे टूटते रहते हैं, और इस तरीके से ये कुछ मड सॉइल और ग्रेवल पेबल्स वगैरह बन जाते हैं, सैंड रेत बन जाती है, जो कि पानी के भाव के साथ दरिया के किनारे पे आके जमा हो जाता है. जैसे आप कहीं भी किसी समंदर या दरिया के किनारे पे जाएं तो आपको रेत लाजमी नज़र आएगी. सो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ soil. Squeeze some soil between your fingers. It is crumbly, soft or sticky. The texture of soil depends upon the size of its particles. अच्छा, आप कुछ soil अगर हाथ में लें तो sometime वो बहुत sticky होती है, crumbly होती है, soft होती है. यानी कि three types of basically we are going to study about three types of soil. ठीक है, कुछ बहुत sticky होती है, like बहुत ज़्यादा just like rubber you can say. कि आप उससे कोई भी चीज़ बना सकते हैं, और कुछ होती है वो लाइक सैंडी होती है कि उसके अंदर वाटर या एयर जो है वो स्टे नहीं करता, और एक ऐसी होती है जिसमें कुछ मिकदार में वाटर एयर होता है जो फर्टाइल लैंड होती है, सॉफ्ट होती है लाइक फ्लोर. सो सैंड, सैंड इज़ यूजुअली लाइट इन कलर. पार्टिकल्स ऑफ सैंड आर लार्ज इनफ दैट ईच कैन बी डिस्टिंक्टली सीन. दे फील ग्रिटी एंड कॉस. सैंडी सॉइल विल जनरली नॉट स्टिक टुगेदर व्हेन वेट. इट डज नॉट होल्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मोस्ट प्लांट्स रूट्स कैन नॉट होल्ड ऑन दिस सॉइल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट सैंड. आपने देखा होगा कि रेत जो होती है उसके अंदर ना तो पानी रुकता है ना हवा रुकती है, यानी कि उसके पार्टिकल्स इतने होते हैं कि आप डिस्टिंक्टली आसानी से उनको देख सकें. और क्या है कि वो कंकरीले होते हैं, ग्रिटी होते हैं, कंकरीले होते हैं, और ये यानी कि इनके अंदर अगर रेत के अंदर आप पानी डालें ना तो वो अब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो फ़ौरन से निकल जाएगा, ना ही उसमें हवा रुकेगी. तो ऐसी जो सॉइल है, सैंडी सॉइल, इसके अंदर प्लांटेशन नहीं होती, नहीं हो सकती, ये फर्टाइल नहीं होती. सो नेक्स्ट इज सिल्ट. सिल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. सिल्ट लुक्स लाइक फाइन ग्रेन्स और टाइनी पीसेस ऑफ रॉक. It does not feel rough or gritty, but has a smooth texture. ये sticky तो नहीं होती, लेकिन क्या है कि ये gritty भी नहीं होती, यानी कि कंक्रीली भी नहीं होती, but smooth texture. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे light flow, due to its smaller particles, it can retain more water than sand. यानी कि रेत से थोड़ा कम होती है पार्टिकल्स, इसके छोटे होते हैं, इस वजह से इसमें थोड़ा सा पानी रिटेन होता है, वाटर रुक जाता है. दिस सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर देन सैंड पार्टिकल्स बट लार्जर देन क्ले पार्टिकल्स. सिल्ट सॉइल स्टिक टुगेदर व्हेन वेट. सिल्ट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इन फॉर फार्मिंग. लाइक एक रेत की तरह भी नहीं होती, इनके इतने बड़े पार्टिकल्स भी नहीं होते, और क्ले बिल्कुल जुड़ी हुई भी नहीं होती, यानी इसमें कुछ क्रॉस है हवा का और पानी का, लेकिन कुछ जो मिकदार है रिटेन हो जाती है वाटर एंड एयर की, जिसकी वजह से ये जो सॉइल है ये बेस्ट है प्लांटेशन के लिए. क्योंकि आप सैंड के अंदर अगर प्लांट लगाओगे तो आप पूरा दिन पानी देते रहोगे, फिर भी वो जो है उसकी रूट्स तक नहीं जाएगा. अगर आप सॉफ्ट सिल्ट के अंदर प्लांटेशन करोगे तो उसके अंदर ऑलरेडी कुछ नमी मौजूद होगी और डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स भी होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे पौधे आराम से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि पौधों को ग्रो करने के लिए एयर और वाटर की ज़रूरत होती है. सो नेक्स्ट वन इज़ क्ले. क्ले इज़ वेरी फाइन सॉइल व्हेन वेट. क्ले इज़ वेरी स्टिकी एंड इट कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स. दिस इज़ बिकॉज वेट क्ले कैन होल्ड इट्स शेप्स आफ्टर ड्राइंग. दिस द स्पेसिस बिटवीन क्ले पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी. प्लांट्स रूट कैन नॉट पुश थ्रू देम एंड एयर कैन नॉट गेट इन, सिंस मोस्ट बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. दे कैन नॉट लिव इन क्ले. अच्छा, क्ले जो होती है वो इस तरह की स्टिकी टाइप होती है, लाइक उसके अंदर ना तो हवा क्रॉस होती है ना ही पानी होती है, पानी क्रॉस होता है, सो वो बिल्कुल स्टिकी होती है कि अगर आप उसको मोल्ड करके कोई शेप दे दें तो वो ड्राई होगी तो वो शेप वैसे ही रहेगी.
तो जो ये तो इसके अंदर पानी और हवा का क्रॉस बहुत कम है, जिसकी वजह से इसमें प्लांटेशन नहीं हो सकती या इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो नहीं रह सकते, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट्स वगैरह को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, जो कि इसमें ना तो हवा पास होती है ना ही पानी पास होता है। दैट्स वाई दिस इज़ नॉट ए फर्टाइल लैंड एंड दिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्लांटेशन एंड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स कैन नॉट बिल्ड देयर होम्स in the clay, such type of soil. So the last one, beautiful rocks, we are going to talk about rocks. These rocks have been here for millions of years. They have contributed to the beauty of the earth, is main improving what nature has given us. ओके जी, यहाँ पर है कि रॉक्स आपके यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आप देख सकते हैं, चट्टान है बहुत बड़ी, और यहाँ पे है कि क्या इंसान जो है वो इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता है या वॉट नेचर हैज़ गिविंग अस गिवन अस। सो बहुत सारे एरियाज में आप देखें जाकर तो ये इंसान की तरक्की है कि उन्होंने चट्टानों को काट के उसके अंदर पुल बनाए हुए हैं या ब्रिज कुछ घर बनाए हुए हैं या इस तरह की चीज़ें डिफरेंट। अगर आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करें तो आपको ऐसी चीज़ें देखने में ज़रूर मिलेंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।